भाई ये रात का टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाईजन? ढाई बज रहे हैं। बेटा आप लगता है नींदों में हो। सर जी बिल्कुल नींद से उठ जाए थोड़ा। सो फाइनली भाई आज हमारी यूनिवर्सिटी का आखिरी सहरी है, उसके बाद हम जाएंगे घर घर क्योंकि फाइनल पेपर है। सो व्लॉग को यहीं करेंगे स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो भाई आज का सीन है सहरी करने जाएंगे। सहरी करने के बाद आज देखेंगे जाएंगे पीडी की साइड अली कैंटीन पर, वहाँ जाएंगे आज सहरी करेंगे और साथ में आज देखेंगे क्या क्या मिलता है खाने को। मेरी तबीयत बहुत ख़राब जिस वजह से मतलब भाई कुछ खा रहा हूँ तो ऐसा कड़वा जायका रहा, ऐसा कड़वा मैंने बोला आज तक तो आज की जायका ही नहीं आया ऐसा। बहरहाल जो भी था हो गया, अब सेट हो गया, चले वही वही चलते हैं और फिर देखते हैं सहरी में क्या क्या मिलता है क्या नहीं। मिलते हैं आपको वहीं। क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग हैं, चोरी चोरी बोलते हो? कुसुर पुसुर क्या हो रही है? कुसुर पुसुर ग्रेट ग्रेट क्या हो रही है लोगो? क्या हो रही है? घर की बातें हो रही है बेटा। अब दो जवाब। चले फ्रेंड मिलते हैं आपको वही जाकर। सो फाइनली भाई अब आ गए हैं अली कैंटीन पर। अब सहरी तो करनी है, पूछते हैं क्या क्या है क्या नहीं। सर बताएं क्या क्या है? अंडा की मैं और मुर्गी है, दाल है, दही है। यार ऐसा करो आज पैसे भी नहीं है, आज सिर्फ रोटियां लेकर आ जाओ हैं, पक्की बात है। सर आपका कुछ कहना है भाई? रोटी के साथ कुछ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? जो आप पानी है ना उससे खा लो, क्या है मसला? पानी से काम नहीं चलेगा, रोज आए दिन बड़े हो रहे हैं, धूप भी हो रही है। डेविड डेविड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा था कि मक्खन हो जाए तो वाह हो जाएगी। इधर कोई चक्का ने मक्खन का दुकान खोला हुआ, जो मक्खन मिलेगा आपको। मैं भी यार ने रखा हो। अच्छा मक्खन जो फला भाई क्या ऑर्डर देना जल्दी बताओ, जल्दी करो। सारी मुर्गी तरियल मुर्गी बेदो अंडा कीमा तो नहीं था ना भाई इसके पास तो छोला नहीं भूखे कुड़ गा छोला नहीं था अंडा कीमा था। अच्छा छोरा केड़ा छोरो। चले भाई फाइनली ऑर्डर दे गया, ऑर्डर आया तो फिर खाने के बाद ही मिलेंगे भाई, खाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह हाफिज़। भाई सहरी आ चुकी है और खाने स्टार्ट हो चुका है इनका। उसामा ने भाई ने शर्मा के हाथ निकाल दिए, ऐसे नहीं शर्माते भाई, खाना खाना पड़ता है क्योंकि मैंने अभी शुरुआत नहीं की। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे क्या नाम था भाई इनका, नाम ही भूल गया यार। नो नो ये तो कास्ट है ना। बदलो बदलो बदलो। नहीं नहीं जोहेब भाई, जोहेब भाई माशाल्लाह से प्रोफेशन इंजन जवान है चल रहा है। और ये इब्रार साहब माशाल्लाह से भले भरियो को मसलो ही कोने। माँ भाई ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो निवाला उठाते हो ये सारा सालन शुभ करके ले जाते हो। अब इनको बताएं शुभ कैसे किया जाता है, इनको वाकई करके दिखाना पड़ेगा ना एक बार। अरे मोचड़ा। अब नहीं नहीं क्यों मोचड़ा, अब इसने भाई ने बोला है मेरे को, अब शुभ करके दिखाना पड़ेगा। ये उठाया यूं किया। अरे सुबह मेहमान खाने बैठी जो वाओ मजा आ गया यार। सो फाइनली अब आ गया रूम के अंदर आ गए हैं। तो अब है ना अब थोड़ा स्टडी करनी है, लास्ट पेपर भी है तो जिसके वजह से सारे फ्रेंड्स हम बैठे हुए हैं तो स्टडी करेंगे। सो हमारा टीचर है तनवीर यार। पेपर नहीं है, मिड डे वही मिड डे पेपर बात एक ही होती है भाई यार, क्या हो गया पढ़ना तो आपको है नहीं, नहीं, जो नहीं, भी हो। नहीं पढ़ना यार किसी बात कर रहे हैं यार, आखिरी मिड डे तो तबाही तो मचानी है ना, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं वो अलग बात है। फिर ये हमारे शाब भाई हैं और ये हमारे टीचर हैं, ठीक है। और ये डेविड भाई और ये बिलाल भाई, और बिलाल बोल दिया सॉरी इब्रू भाई हमारा इब्रार। आप पढ़ के भूल नहीं जाते, फिर आप पढ़ना ही भूल जाते हो। वो वाओ मुझे आपने आपको कैसे पता है वैसे? मना किया स्टार्ट शुरू करते हैं बिना स्टार्ट किए। ठीक है तो भाई स्टार्ट किया हूँ। न्यूकैसल डिजीज वन ऑफ द डेंजरस। चले मिलते हैं आपको भाई स्टडी करने के बाद। सब का पहले हिन के अंदर जो असा
सो फाइनली गाइस अब हो गई सुबह और नींद तो इतनी थी यार पूछो ही ना, क्योंकि रात को नहीं फजर के टाइम जो नमाज पढ़ने के आए ना उसके बाद जो ऐसी नींद आई, मैंने कहा भाई मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, सो जाओ। अब हुई है सुबह, तो अब फ्रेश होने के बाद अब मैंने पेपर भी लास्ट, तो जैक पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आपको मिलते हैं। और धूप भी बहुत कुछ ज़्यादा ही तेज़ है यार, ये देखो ना कुछ ज़्यादा ही धूप तेज़ है। चले मिलते हैं आपको। मिड हो गया ख़त्म भाई, आज का फाइनल मिड था, हो गया ख़त्म, जान छुट्टी भाई। यार इन्होंने रमज़ान के अंदर मिड ली है, एक तो रोज़ा, ऊपर से कड़क धूप, ओए होए होए, अभी जो हालत है ना, आए है अभी है ना, लास्ट ये लिखने हैं मनो पैथो का प्रैक्टिकल लिखने, वो चेक करा उसके बाद गोली होना, जल्दी लिख, घंटा हो गया तुझे, एक पेज लिख रहा है तू, लिख रहा हूँ, जल्दी कर। चले फ्रेंड ये चेक करवाने का, फिर आपको हॉस्टल के फिर आराम करें, क्योंकि ऐसे तो कहीं जाएंगे ना कि गर्मी बहुत है, तबीयत हो जाएंगे ख़राब। सोचे से मिलेंगे जाके हॉस्टल में जाकर। सारे दोस्त अब जा रहे हैं घर, टाटा बाय बाय भाई, दुआ में याद रखिएगा। आप इधर ही हो? ओ भाई एक बंदा रह गया भाई, दुआ में याद रखिएगा। मौलाना इधर है, आपको दिक्कत हो जाएगी अभी तो। नहीं दिक्कत नहीं होगी यार, कतई भी यही है बाबा, कैसे करेंगे। नहीं मैं शाम को निकल जाऊंगा भाई, ये धूप ऐसे तो नहीं जा रहा अभी। तमीर दुआ में याद रखिएगा गुरु जी, अल्लाह तुम्हारे खैर करे सब। ठीक है आमीन आमीन सुम आमीन। चले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि है बहुत गर्मी टाइम है ना, तुम लोगों से बर्दाश्त होगी भाई, मेरे से नहीं होने वाली, मैंने कहा मैं शाम को ही निकलूंगा, अभी करते हैं आराम। सो फाइनली भाई घर पहुंच गए, और यकीन करो ना कराची में जो मतलब क्या क्या ठंडी हवाएं चल रही है भाई, वहां तो भाई सांस जा रहा था, मैंने कहा भाई यकीन करो, शुक्र है मैं शाम के टाइम निकला और अब्बा के घर पहुंच गया हूँ फाइनली। और मजे की बात पता क्या है, मैं बोलूँ यार ये मुझे लोग इसे देख क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर मैंने घर आके जब शीशे अपने आपको देखा, मैंने दो दो बी लटकाए, कोई अजीब नमूना लग रहा था, तभी मैं कहता हूँ लोग हर कोई मुझे ताड़ रहा है, मैंने बोला कोई शायद मेरा कोई शर्ट मट फटी हुई, कोई पैंट फटी हुई, मुझे देख रहे हैं बार बार से घूर घूर के देख रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसा देख लिया यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है इनका। चले खैर जैसे घर, पप्पा भी देख चुप चुप के देख रहे हैं, गलत बात, चुप चुप के नहीं देखना चाहिए। जो भाई घर पहुंच गए, जो फ्रेश हो, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। सुबह हो गई, सुबह होने के बाद पहले गए हम नमाज पढ़ने, जहाँ जुम्मा भी था नमाज वगैरह, नमाज पढ़ने के बाद फिर आगे घर के ऊपर घर के आए, और फिर जो मतलब यार कराची के अंदर जो मतलब कि वहां तो चलो गर्मी थी मानते हैं समझते हैं, मगर यहाँ गर्मी ऐसी खुशका गला, ऐसा खुशक अजीब मौसम, समझ नहीं यार हो क्या रहा है, प्यास भी नहीं लग रही, एक मतलब गल्ला मतलब पता नहीं अजीब सी कैफियत होती। बहरहाल जो भी था भाई, आज का दिन तो गुजर गया भाई, पहला दिन था आज तो गुजर गया। और दूसरी बात यह है कि यार घर के अंदर जो अपना घर का मजा है ना, लेवल है अपना मजा है भाई, बिरयानियाँ चाट पता नहीं क्या क्या मुझे आज मिला है, तो क्या बात है। मैंने ना मुझे इतनी खुशी लग रही थी, मैंने भाई मोबाइल भी नहीं उठाया वाला कि जुम्मे का दिन भी था और ना जुम्मे एक ब्लॉग बनाया ना कुछ, उस वजह से मैंने कहा यार रात की उठाएंगे सपोज, क्योंकि खुशकापन इतना था जो खुद भी खुशक हो गए थे हम। सो खाना वाना खाया, बिरयानी वगैरह खाई, हर चीज़ खाई, ओके हो गया। तो अब है ना सवैयों की बारी, अब है सवैयाँ, दूध वाली सवैयाँ, हॉस्टल से अच्छा घर है भाई, मानना पड़ेगा ये बात। चले हम ये खाएं, और दूसरी बात ये आज का ब्लॉग देखिए यही एंड करें, अगर ब्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।